अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube के वासियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यशल परिहान और आज लाई हूँ एक और रिव्यू और कुछ इन्फॉर्मेशन फेशियल ऑयल्स के बारे में। तो चलते हैं अपने रिव्यू और इन्फॉर्मेशन की तरफ। व्यूअर्स, अगर आप भी ये सोचते हैं कि अब तो बोटॉक्स, लेज़र और स्किन टाइटनिंग इंजेक्शंस आ गए हैं, तो कोई बात नहीं। अगर कल को रिंकल्स आएंगे तो आराम से जाकर ये ट्रीटमेंट करवा लेंगे और दोबारा से यंग नज़र आएंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत बहुत जल्द नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बहुत सालों तक अपनी स्किन को यंग ही रख सकेंगे और अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी मेंटेन रख सकेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक ब्रांड पर, जो कि माना ब्यूटी के नाम से है। ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है और इन्होंने अपने ब्रांड्स के अपने पैकेजिंग पे भी ये मेंशन किया हुआ है कि हैंड ब्लेंडेड स्किन केयर। इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml की है। अब बात करते हैं कि ये क्लेम्स क्या करते हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए है और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और आपकी स्किन टेक्सचर को, आपके स्किन के जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इवन टोन करेगा। तो जी, ये सारे क्लेम्स पर पूरा उतरता है। इट्स बेस्ट फेस ऑयल। ये आपकी स्किन को वाकई ही सॉफ्ट भी करता है, इवन टोन भी करता है और हाइड्रेट भी रखता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि फेस ऑयल हमें यूज़ क्यों करने चाहिए और फेस ऑयल्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फेस ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं, हमारी स्किन को क्लींस करते हैं, क्योंकि इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे एक्ने ब्रेकआउट्स को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि फेस ऑयल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को इवन भी करते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल भी बनाते हैं। ज़्यादातर जो ऑयल्स होते हैं वो कहते हैं कि ये बेस्ट फॉर ड्राई स्किन के लिए ही होते हैं, बट कुछ ऑयल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आइडियल फॉर ऑयल्स जो होते हैं वो आइडियल फॉर ड्राई स्किन के लिए ही होते हैं, बट ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बट उनके लिए और दूसरे ऑयल्स होते हैं, जैसे होबा ऑयल हो गया, ट्री ट्री ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया। और अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको बाय करना चाहते हैं, तो इनके पेज पे अप टू 70% ऑफ लगा हुआ है। तो जी, ये जिसने बाय किया था उन्होंने भी सेल से ही बाय किया है और इसकी ओरिजिनल प्राइस 2300 है, बट सेल पर इसकी जो प्राइस है वो है 750। अब मैं इसका आपको टेक्सचर चेक करा देती हूँ। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं, जो फेस ऑयल होते हैं वो आपकी जो स्किन पे लार्ज ओपन पोर्स होते हैं उसकी अपीयरेंस को भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये बता दूं कि हर स्किन टाइप पे बहुत सारे स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। और तो ज़रूरी नहीं कि अगर किसी और की स्किन पर या मेरी स्किन पर ये वर्क कर रहा है तो आपकी स्किन पर भी ये वर्क करेगा, बट बहुत लाइट सा है, ग्रीसीनेस फील नहीं होती और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा रनी है और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़े की है खुशबू। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, सनफ्लावर सीड ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल और यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ था कैरेट ऑयल, कैरेट फ्रूट ऑयल, कैरेट की इसमें खुशबू है और बहुत ज़्यादा मज़े की। ज़्यादातर अपने आप पाप में निकालें और उसको अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करके तो फेस पर डैप डैप करके अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने उसको फेस को, आपने ऑयल का मसाज करना है तो आप भी बहुत लाइट हाथों से ऑयल्स का मसाज करें, ताकि आपके जो एक्नी है वो छिड़ ना जाए, निकल ना जाए, तो उसका भी थोड़ा आपने ख्याल रखना है। ये तो था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।